ये क्या हुआ? ची 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 सुनो यार क्या आवाज। बाप रे, ओहो पूछा भी, क्या बात है क्या बात है। तीनों बाइक्स यहाँ पे खड़ी है, तीनों की तीनों बाइक्स खड़ी है। अभी तुम्हें एक प्यारी सी ड्राइव दिखाएंगे, तुम कमेंट करके बताओ, अभी बताओ कमेंट करके, बाद में नहीं, अभी बताओ कि कौन जीतेगा, ठीक है? बाप रे, आगे देख आगे, बाप रे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। कल तो चुका है, होप तुम सब बढ़िया हो गए यार। सो गाइस, आज हमारा सेकंड लास्ट वाला ब्लॉग, तो आप सबने देखा होगा कि हमने आज से ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। एंड मेरे माइंड नहीं करना, मेरे बाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, बिकॉज मैं अभी नहा के निकला हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं। तो मैं अभी का सीन बता दूँ, फिलहाल मेरे पास अपनी बाइक नहीं है, मेरे पास अभी बाइक कौन सी वो तुम्हें बताता हूँ, और मेरी बाइक कहाँ पर वो तुम्हें बताता हूँ, वो भी लेने जाना। ना मेरे पास हेलमेट है इस टाइम पर, ना कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें हम ये सब बातें हम बाद में करेंगे। देख लो गाइस, आज हमारे पास जी 900 है, तो मेरी बाइक लगी हुई है सक्षम के घर पर, मुझे भी वहाँ पर जाके वो पिक करनी है, ठीक है? तो चल अभी निकलते हैं यहाँ से, ना मेरे पास हेलमेट है, ना सेटअप है, कुछ भी नहीं है, तो निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से, इसको करते हैं पहले कोल्ड स्टार्ट, देन निकलते हैं जल्दी जल्दी गाइस यहाँ से, ठीक है? ऑस्टिन रेसिंग का लगा हुआ है ये, देखो सुनो यार की आवाज़। बाप रे, पटाखे मार रही है यार, ये लगा लेता हूँ एंड निकलता हूँ जल्दी जल्दी यार। गाइस बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट, एंड निकलते हैं अभी यहाँ से जल्दी जल्दी, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है। मेरी बाइक उठाते हैं, देन निकलते हैं यहाँ से सिमरा की ओर, एंड आगे जो भी होगा वो तुम्हें पता चली जाएगा। गाइस ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलो अभी निकलते हैं गाइस, मैं लेट हो गया ऑलरेडी बहुत। A few moments later. Guys, finally पहुंच चुके हैं, एंड मैं बता दूं यार बाइक वगैरह लेके आ चुका हूं मैं, एंड अब अपनी बाइक लेके जाएंगे। फिलहाल ये रहा मेरा सेटअप, ये भी तैयार कर रखा है। देखो यार, लास्ट वाली वीडियो में शूट कर रहा था ना, उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई यार, बिकॉज उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा माइक का इशू आ रहा है गाइस यार, या माइक अडैप्टर का या माइक का इशू है, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आती है। तो चलो गाइस, वो चीज़ तो हम ठीक कर ही लेंगे, बाद में देख के वीडियो शूट करनी पड़ेगी। बाकी चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूँ, सरप्राइज एक और है। मतलब इस शख्स के पास भी 390 है, इस शख्स के पास भी 390 और एक और 390 आने वाली है, एंड होपफुली शायद आज तुम्हें वो देखने को मिल जाएगी। जो भी सीन होगा वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। बाकी अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलने वाले हैं, एंड ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसका वाला कुत्ता इतना शरीफ है ना कसम से, और मेरे वाले का देखोगे ना तुम, वो जब तक चक ना मारे ना उसका पेट नहीं भरता। बाकी चलो अभी सेटअप लेते हैं, बाइक्स पार्किंग में, पार्किंग से बाइक्स को निकालते हैं एंड करते हैं कोल्ड स्टार्ट, एंड निकलते हैं गाइस डायरेक्ट यहाँ से जो न्यू 390 है उससे मिलाने के लिए। एंड किसने लिए वो भी तुम्हें बताएंगे, एंड कौन सा मॉडल है, क्या है, क्या सीन है, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा आगे वीडियो में। बने रहो, पूरी वीडियो देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एंड जो भी आगे सीन रहेगा वो तो तुम्हें पता चलने वाला है। बाकी चलो लेट्स गो, एंड एक और अपडेट दे दूं तुम्हें गाइस, हम एक ट्रिप पे भी जाने वाले हैं, जल्दी हम एक रोड ट्रिप पे भी जाने वाले हैं। गाइस कमेंट करके जरूर से बताना, गेस करो गाइस कमेंट्स में कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। वेल गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बाइक्स के पास, देख लो यहाँ पे बाइक्स हमारी पार्क थी जो सबकी, एंड अभी करते हैं कोल्ड स्टार्ट गाड़ी जल्दी से बाइक्स को, एंड निकलते हैं, बिकॉज हमारा जो तुम्हारा जो बिकॉज जो सरप्राइज है ना तुम्हारे लिए, कि न्यू बाइक किसने लिया वो हमारा वेट कर रही है। चलो तो मेरी वाली तो होगी कोल्ड स्टार्ट, एंड इसकी वाली भी होगी कोल्ड स्टार्ट, ये देख लो गाइस। इसका ना एक्चुअली ये चीज़ भी अच्छी लगती है, जो स्पीडोमीटर इसमें दिया हुआ है ऊपर से 390 की, तुम्हें आवाज़ तो पता ही है, ये देखो। तो चलो अभी निकालते हैं बाइक से यहाँ से जल्दी जल्दी, एंड निकलते हैं जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और आज ये सीट भी ठीक करानी है भाई, ये मैंने भी लगानी है अभी, ये लगाऊंगा आज, ये सीट भी ठीक करनी है हमने, एंड वॉश वगैरह भी करवा देंगे। चलो निकालते हैं बाइक से बाहर यहाँ से जल्दी जल्दी, एंड लेट्स गो। पूरी दिखाते हैं ये वाली बाइक, ठीक है? ये वाली जो ओल्ड वाली अपनी जो ओल्ड वाली थीम है ना उसके साथ है, एंड ये वाली न्यू थीम है, एंड ये वाली तुम्हें पता है जनरेशन 3 है। तो चलो निकलते हैं गाइस यहाँ से अभी, आगे चल के देखते हैं गाइस जो भी सीन होगा। सबसे पहले मैं अपनी सीट जुड़ा दूँ, ये देखो ये खुल गई गाइस, सीट खुल गई भाई, बाइक जान से हो गई। हाँ चलो चलो गाइस, सीट फिट हो गई, आराम से चलना, ठीक है? 2000 years later पहुंच चुके हैं सिदरा में, एंड अभी यहाँ से हम ना एक छोटी ड्रैग रेस ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? तीनों बाइक की ड्रैग रेस चेक करने वाले, ओए चलो भगाओ। ओ यार मेरे को रेत आ गया भाई, क्या
बहुत गंदी राइड थी भाई, बहुत ज्यादा। भाई तूने किल स्विच बंद किया ना, तूने मेरे को, मैं पीछे रह गया यार, पता है मेरी बाइक भागने नहीं लगी फिर। क्या ही सेक्सी लग रही थी यार, कमेंट करके जरूर से बताना, इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही थी बाइक यार, इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। बाकी अभी तुम्हें इसकी बाइक दिखाता हूँ, ये रही थी 90 और ये वाला कलर ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मतलब हद से ज़्यादा। बाकी इसमें देखो एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये देखो इन केस ऑफ फॉल ये घूम जाता है, मुड़ जाता है। भाई इसमें वो लगा लेना फ्रेम सेटर्स, क्या बात है। अच्छा मैं सोचूँ इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही है, इसका डीबी कूलर, अरे धुआं क्यों मार रही है, बताना कैसे लगा। बाकी तुम्हें बता दूं इन सब में ना पावर ऑलमोस्ट सेम है, बट सबसे ज्यादा जो भागती है ना वो BS4 भागती है, बिकॉज यार इसमें ना इनने रॉ पावर दे रखी थी। इसमें एक एडवांटेज क्या आपको मिलता है, इसमें देखो ये आपका एलॉय चेंज कर दिया, तुम इसके एलॉय की वो देखो, लाइक इसके एलॉय देखो कितना अलग चेंज है, और उसका एलॉय देखो कितना अलग तरीके का है, कितना अलग है इसका शेप, और इससे ना वेट कम किया, और उसकी डिस्क देखो तुम, डिस्क चेक करो, एंड ऑन द अदर हैंड इसकी डिस्क देखो, इसमें ना बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन कर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जो मैं बात कर रहा था ना तुमसे चैसी वाली, तो वो तुम्हें बताता हूँ, ये देखो गाइस, जैसे ये मेरी बाइक है, इसकी चैसी देख रहे हो ना, इसका चैसी का सब फ्रेम सारा एक ही में आ रहा है। ऑन द अदर हैंड ये देख लो, इसका चेसी का फ्रेम देख रहे हो तुम, यहाँ से ये दो पीस में है, मतलब ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इन केस ऑफ फॉल ना तो अपने इस पे चेसी पे डैमेज आता है, तो पूरी चेसी चेंज नहीं होती, या आगे वाली या पीछे वाली चेंज होती है। ठीक है, इससे तुम्हें अभी इनका तीनों का एग्जॉस्ट मोड भी सुनाते हैं, ठीक है। मेरे वाला डीबी कलर निकला हुआ है, जो KTM RC 390 है, इन दोनों का डीबी कलर लगा हुआ है, तो तुम्हें सुनाते हैं अभी सबसे पहले इन सबकी आवाज़, ठीक है। सबसे पहले तुम मेरी आवाज़ सुनो, ये देखो गाइस, ये रही तुम्हारे भाई की बाइक की आवाज़, ये रही गाइस BS6, ठीक है। अब तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाते हैं गाइस, इसमें ना बहुत सारी चेंजेस भी की हुए हैं, तुम्हें पता ही है, देखो TFT डिस्प्ले वगैरह सब कुछ चेंज कर रखा है, ये देखो कितना प्यारा डिस्प्ले कर दिया हुआ इसका, तो अब इसकी भी तुम्हें सुनाते हैं साउंड, ये देखो इसका साउंड बहुत बेसी टाइप में आता है, देखो ये देख लो गाइस, सुनो इसकी, ये रही आपकी BS3 की। तुम्हें इसकी आवाज क्यों कम लग रही होगी, ओनली बिकॉज इसका ना ये डीबी क्लियर लगा हुआ है, ये देखो ये नहीं निकला हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, एंड मेरा वाला निकला हुआ है। तो चलो अभी एक ड्राइव करते हैं मस्ती जल्दी जल्दी, एंड दिखाते हैं तुमको कौन सा जीतता है। पहले गाइस लेट्स गो, निकलते हैं अभी, एक तुम्हें ड्रैग दिखाएंगे तगड़ी सी, बहुत प्यारी सी, ये देख लो अपनी तीनों बाइक्स यहाँ पे खड़ी है, तीनों की तीनों बाइक्स खड़ी है, अभी तुम्हें एक प्यारी सी ड्रैग दिखाएंगे, एंड तुम कमेंट करके बताओ, अभी बताओ कमेंट करके, बाद में नहीं, अभी बताओ कि कौन जीतेगा, ठीक है। तीनों बाइक्स रेडी हैं, एंड चलो लेट्स गो, निकलते करते हैं फायर अप, एंड दो राउंड्स मारेंगे प्रॉपर, और तुम्हें दिखाते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है, चलो लेट्स गो गाइस, चलो 2 3 गो, चलो गाइस ये देखो बाप रे, आगे देख आगे, बाप रे, ओह क्या ही ड्रैग है यार, क्या ही ड्रैग है, बाप रे, ओ स्लो 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 गाइस, स्लो गाइस, स्लो गाइस, बाप रे बाप रे बाप, ओ सेक्सी ड्रैग गाइस, सेक्सी ड्रैग गाइस, यहां से भी शुरू करते हैं हम, 1 2 3 गो, बाप रे, ये देखो क्या पकड़ दिया हमने KTM RC 390 BS4 को, दोबारा पकड़ लिया, ओ भाई ट्रैफिक ट्रैफिक, पीछे 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 रहो, पीछे रहो, बाप रे, ओ हो पूछा भी, क्या बात है क्या बात है, भगा 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 भगा, आजा, क्या बात है यार, क्या भाग रही है बाइक यार, तुम देख ही सकते हो क्या भाग रही है बाइक, बाप रे बाप रे बाप रे, चेक इट आउट यार, ओहो वेल गाइस, देखा तुमने भाई क्या ही खतरनाक ड्रैग रही, मैंने बाइक को ऑफ कर दिया यार, ऑफ नहीं करना था,
क्या बात है यार गाइस, क्या ही मजा आ गया यार भाई, क्या ही सॉस सॉस चल रही है भाई के, और क्या ही पावर है गाइस। यार एक्सीडेंट हो गया आई थिंक यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे? ट्रक के नीचे डाल दिया बंदा, छिलते हुए आया नीचे, वहां से खत्म हो गया, मर गया। ओए होए होए होए, साइड पर गाओ गाड़ी, क्या हो गया? ओ भाई ये क्या हुआ? ची 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 ची, भाई ये क्या है? ओ भाई ये क्या हुआ? बंदा नीचे आ गया। ओहो हो हो हो, मर गया यार, सर शर फट गया इसका, है ना? बाइक की गाड़ी के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे आया, पूरा फट गया सर इसका। किसी का फैमिली का मेंबर था यार, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के, कसम से बता रहा हूँ। अपन तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे लगा मैं वहाँ पे था ना यार, वहाँ पे मुझे यहाँ पे अचानक से लोग आ गए, मुझे लगा कोई इंजर्ड होगा, कोई उठा नहीं रहा होगा, मैं सोचा मैं चलता हूँ उठा के ले चलते हॉस्पिटल, बट यार जब तक यहाँ पे पहुँचे इधर आके देखते हैं यार, वो तो बिल्कुल उसके सर के ऊपर से गाड़ी निकल गई है, ट्रक ये वाला ट्रक है इसके सर के ऊपर से निकल गया यार, ये देखो। चलो यार ये देखो, ये वाला ट्रक है ये इसके सर के ऊपर से निकल गया बिल्कुल। इंसान क्या होता है तुम देखो ना, खुद ही इंसान होता क्या यार गाइस, मतलब लोग बोल रहे साइड पे आया और साइड पे से स्लिप हो गया, इसको ट्रक के नीचे आ गया। तुम देखो यार बाइकर्स है ना, एट द एंड ऑफ द डे बाइकर्स ही है, तो बाइकर्स की लाइफ कितनी खतरनाक सी होती है यार, मतलब थोड़ा सा इसको बेचारे को फ्लिक लग गया और ये बाइक के और ये ट्रक के नीचे आ गया, पूरा दिमाग बाहर आ गया यार बंदे का, पूरा दिमाग बाहर आ गया। मुझे लगा था कोई इंजर्ड होगा, अपन जाके ना हॉस्पिटल वगैरह लेते हैं, बिकॉज तुम्हें पता है आजकल ना कोई भी बंदा ऐसे किसी को हॉस्पिटल वगैरह नहीं लेता यार, हमने सोचा चलो हॉस्पिटल आगे जाके देखा, उधर बचा ही नहीं था कुछ यार। चलो यार गाइस निकलते हैं यार, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखेंगे हम व्लॉग में, बिकॉज मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। हम तो कंपैरिजन कर रहे थे बाइक का बिकॉज मेरा, बट मेरा मूड अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, मैं सोच रहा हूँ वीडियो को इधर ही पे क्लोज कर देते हैं यार, तो चलो देखते हैं आगे जो भी होगा, अगर मैं बनाऊँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, वरना वीडियो यहीं पर क्लोज हो जाएगी।